हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे कंपैरिजन की मोटो जी 5 प्लस की और रेडमी नोट 4 की। और कंपैरिजन यहां पे मेनली है कैमरा का और बाकी कुछ और चीजें भी आपको बता दूंगा मैं, जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन जो है ले सकते हैं। तो यहां पे दोनों ही डिवाइसेस को हमने प्रॉपर टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन एक क्विक कैमरा कंपैरिजन हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि किस फोन के अंदर बेहतर कैमरा आपको मिलता है। क्या Moto G5 Plus का कैमरा बेहतर है या फिर Redmi Note 4 का कैमरा बेहतर है। तो हमने इन दोनों ही फोन से कुछ फोटोज लिए हैं सेम लाइट कंडीशंस में लॉन्च इवेंट पे, और वो फोटोज मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अगर आप इन फोटोज को देखेंगे तो इन फोटोज को देख के आप इजीली देख पाएंगे कि अगर डिटेल्स की बात करें, फोकस की बात करें, तो बेहतर फोकस जो है आपको मिलता है Moto G5 Plus में। फोकस फास्टर भी है यहाँ पे, तो आप आराम से फोकस कर सकते हैं और फोटो की क्लैरिटी में कहीं कोई कमी नहीं है Moto G5 Plus में। हालांकि अगर Redmi Note 4 की बात करें तो फोटो की क्लैरिटी में कहीं ना कहीं पिक्सलेशन हमें देखने को मिलती है जब आप जूम इन करेंगे, तो ओवरऑल देखा जाए तो क्लैरिटी बेहतर तरीके से कैप्चर हुई है Moto G5 Plus के फोटोज में, जो कि रियर कैमरा से ली गई है। अगर आप उसे कंपेयर करेंगे रियर कैमरा फोटोज जो कि Redmi Note 4 से हमने ली हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही डिवाइसेस में कैमरा अच्छा आता है। हालांकि Moto G5 Plus का कैमरा लो लाइट में बेहतर परफॉर्म कर रहा है अगर आप कंपेयर करेंगे उस फोटोज को Redmi Note 4 के फोटोज के साथ जो कि लो लाइट में ली गई हैं। तो यहां पे डेफिनेटली रियर कैमरा में बेहतर डिटेल्स जो है कैप्चर हो पा रही है और फोकस भी बेहतर है Moto G5 Plus। और साथ ही साथ एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि जो फोटोज आप Moto G5 Plus से लेते हैं वो वाइड एंगल फोटोज हैं, जबकि Redmi Note 4 में जो फोटोज हमने ली हैं वो 4:3 एक्सपेक्ट रेशियो की है बाय डिफॉल्ट। हालांकि एक्सपेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फोटोज जो है बेहतर दिख रही हैं। अब एक और चीज जो यहां पे बेहतर है थोड़ी सी Redmi Note 4 में, अगर आप कैमरा की बात करें और दोनों के रियर कैमरा के फोटोज को कंपेयर करें, तो Redmi Note 4 की जो फोटोज हैं उसमें कलर्स आपको कहीं कहीं बेहतर दिख रहे हैं, जबकि Moto G5 Plus की जो फोटोज हैं उसमें इतने कलर्स बेहतर नहीं दिख रहे हैं। और थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि कलर्स थोड़े और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड कलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं Redmi Note 4 की फोटोज में। अगेन वो फोटोज कभी कभी तो अच्छी लग रही हैं कलर्स में, बट अदरवाइज अगर आप नेचुरल कलर्स की फोटोज लेना चाहते हैं तो Moto G5 Plus में आपको ठीक ठाक कलर्स जो है मिल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो दोनों के कैमरा में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। हालांकि यहां पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलता है Moto G5 Plus में रियर में, जबकि Redmi Note 4 में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो यहां पे मेगापिक्सल थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल क्लैरिटी की बात करें तो बेहतर क्लैरिटी की फोटोज और लो लाइट फोटोज जो है बेहतर आ रही है Moto G5 Plus में, क्योंकि इसके रियर कैमरा में मिलता है आपको अपर्चर f1.7 का, जबकि रियर कैमरा जो कि Redmi Note 4 पे है उसमें मिलता है अपर्चर f2.0 का। तो अगेन यहां पे कैमरा का फर्क है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा सेल्फीज की, तो फ्रंट कैमरा सेल्फीज दोनों ही फोन की एक ही हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा खास नहीं है। डेलाइट में अच्छी फोटोज आप ले सकते हैं सेल्फी की, हालांकि अगर लो लाइट में फोटोज लेंगे तो ऑलमोस्ट सेम जैसी फोटोज आ रही है, क्योंकि यहां पे फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल जो कि f2.2 अपर्चर के साथ आता है, और Redmi Note 4 में आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो भी 5 मेगापिक्सल का है और इसमें f2.0 का अपर्चर आपको मिलता है। तो फ्रंट कैमरा दोनों ही फोन का ऑलमोस्ट सेम है, जबकि रियर कैमरा की फोटोज डेफिनेटली Moto G5 Plus की बेहतर हैं। और चीजों की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको सिमिलर हार्डवेयर मिलता है स्नैपड्रैगन 625 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टाकोर सीपीयू। साथ ही साथ रैम की बात करें तो यहां पे आपको अगर प्राइस की बात करें तो तकरीबन 15,000 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि Redmi Note 4 में आपको कम प्राइस में बेहतर स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर के मामले में मिल जाती है। और यहां पे डिस्प्ले भी आपको बड़ा मिलता है, तो Redmi Note 4 में आपको मिलता है 5.5 इंच का डिस्प्ले, जबकि यहां पे मिलता है 5.2 इंच का डिस्प्ले। दोनों ही डिवाइसेस में IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और दोनों ही डिवाइसेस के अंदर आपको फुल HD डिस्प्ले भी मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी में Redmi Note 4 बेहतर है, लेकिन अगर आपको आफ्टर सेल सपोर्ट Xiaomi की अच्छी नहीं लगती और किसी तरीके से आपका बैड एक्सपीरियंस है, तो आप Moto G5 Plus डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। और Moto G5 Plus थोड़ा सा महंगा रहेगा प्राइस में, लेकिन अगेन शायद आपको एक बेहतर सर्विस जो है Moto G5 Plus में मिल पाए, ऐसा सबका मानना है और ऐसा ही फीडबैक हमारे पास आया है बाकी और यूजर्स से। तो फिलहाल इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इन दोनों ही फोन्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे कल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।